चैन दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। आज हम आपको बताएंगे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी के बारे में। ये वीडियो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाए। जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख कर को पता चल गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, फुल वॉच करना, तब भी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसा इसके आपकी जो भी प्रोसेस हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के, तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके चार सारी चीज़ें बताते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मेरे पास हैं उसमें आपको लेना है। जैसा कि फिजिकल कब होगा, टेस्ट कब होंगे, एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, क्या आपके रनिंग या फिजिकल जो कुछ है एक क्या एक साथ होगा, और कुल कितने सेंटर बनाए जाएंगे इंडिया में, कुल कितने सेंटर ऑलरेडी कितने सेंटर आपके सीआईएसएफ में हैं। क्योंकि जो इसके पीएचटी या रनिंग या पेपर जो होते हैं, सीआईएसएफ खुद कंडक्ट करवाती है, किसी अन्य पार्टी को नहीं देती हैं। इस कारण से जो इनके बहुत सारे सेंटर हैं केवल सीआईएसएफ के पूरे इंडिया में, उनका मैं आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे। कितने सारे यहाँ पर सेंटर इंडिया में बनाए गए हैं उनके बारे में, खासकर ये वीडियो है कि कितने सेंटर हमारे साथ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, बहुत सारा सेंटरों का यहाँ पर विश्लेषण आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा हो। बहुत लंबा चौड़ा ये पीडीएफ है, तो आपको पूरा ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। चलो सबसे पहले मैं आपको बात करते हैं फिजिकल के लेकर, कि आपके फिजिकल कब होंगे, टेस्ट आपके कब होंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो वैकेंसी आई थी वो जनवरी में आई थी और 25 फरवरी लास्ट डेट था। तो इनके जो फॉर्म यानी पीएचटी जो करवाए गए थे वो 4 मंथ बाद, यानी कि जुलाई में, पूरा जुलाई इनका पीएचटी चला था। ऐसे जो भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी के जो पहला प्रोसेस होता है वो 3 मंथ का होता है, ठीक है। 3 मंथ आपके लगेंगे, उसके बाद कोई विभाग में कोई काम चल रहा हो तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो 3 मंथ हम मान के चलते हैं, 3 से 4 मंथ, ठीक है। तो अभी आपकी अक्टूबर तो है ही है, 15 इधर आ गए अक्टूबर, उसके बाद आपको अक्टूबर छोड़ देना है, नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि आपके जनवरी 3 महीने हो गए, फिर फरवरी बचता है। तो आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे फरवरी लास्ट तक आ जाएंगे, और आपके जो पीएचटी होने वाले हैं वो मार्च में होगा, ठीक है। पीएचटी जो होगा वो मार्च में होगा। तो पीएचटी बहुत टफ इसका नहीं होता है, ठीक है, दिमाग में रखना, पीएचटी टफ नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन आपको ये भी नहीं सोचना कि पीएचटी बहुत हल्का फुल्का होता है तो मैं नॉर्मली तरीके से इसको पास कर जाऊँगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि आपका टेस्ट है वो भी आपका होगा। जैसा कि पता है कि आपका रनिंग, आपका टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब एक ही दिन करवाए जाएंगे। सबसे पहले मैं बात ये कर देना चाहता हूँ कि आपके जो पीएचटी होंगे वो एक दिन में होगा, बिल्कुल एक दिन में नहीं होंगे, आपके करीब 1 मंथ तक चलेंगे। अलग अलग डेट की अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा, जितने भी सेंटर बनाए जाएंगे, ओके। मैं भी बात करूंगा कितने सेंटर हैं पूरे सीआईएसएफ के, उन सीआईएसएफ के सेंटर हैं कौन कौन से हैं, और आपके सेंटर कहाँ जाए बनेंगे, क्या आपका प्रदेश में बनेगा या दूसरे प्रदेश में बनाए जाएंगे, ठीक है। तो बात हो गई कि जो मेरे पीएचडी होंगे अलग डेट में होंगे, अलग अलग डेट में अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा, पूरे भारत में होगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपके एडमिट कार्ड बता दिया, एडमिट कार्ड आपके फरवरी में आएंगे लास्ट तक, और मार्च में आपका पीएचडी होने के चांस बनते हैं, ओके। और आगे मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा आपके डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपको पता होगा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर होगा डीबी, ठीक है। तो उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने, वो भी आपको मैं आगे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद है, क्या सबका रनिंग एक ही दिन होगा, बिल्कुल नहीं, सबका रनिंग एक दिन नहीं होगा, लेकिन आपके जो प्रोसेस है वो एक ही दिन होगा। जैसे कि आपका रनिंग हो गई, हाइट, वेट और चेस्ट, इतने जो सारे चीज़ें हैं वो एक दिन करवाए जाएंगे, प्लस डॉक्यूमेंटेशन होगा यानी कि डीबी करवाई जाएगी, और प्लस उसी दिन आपका टेस्ट भी करवाया जाएगा, यानी कि एक दिन में तीन ही इतने सारे प्रोसेस एक दिन में करवाए जाएंगे, लेकिन अलग अलग डेट को अलग अलग बच्चों को बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने सेंटर हैं, आपके कुल कितने सेंटर बनाए जाएंगे या है टोटल। तो मैं आपको बात कर देना चाहता हूँ, सीआईएसएफ के जो टोटल पूरे इंडिया में सेंटर हैं
वो 341 सेंटर हैं प्लस 8 इनके हेडक्वार्टर हैं जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। 8 ट्रेनिंग सेंटर हैं प्लस 341 आपके सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर भी देखोगे बहुत सारा, मैं इसका नाम नहीं ले पाऊँगा बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ओपन किया नॉर्थ सेक्टर का, जिसमें आपको यहाँ पर जैसे पहला नंबर है AGPP अंता, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट CISF यूनिट AGPP अंता, PO अंता, डिस्ट्रिक्ट बड़ा सिद्धार्थ नगर, ओके। इधर दूसरा नंबर है ATPP अनपरा, कमांडेंट CISF यूनिट ATPP अनपरा, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र UP, ठीक है। ऐसे ही सेंटर जो हैं 341 सेंटर है, मैं आपको 341 सेंटर का नाम नहीं पढ़ पाऊंगा ना आप उस चीज़ को देख पाओगे। अब बात मैं क्लियर कर दिया, 341 पता चल गया कि आपको 341 सेंटर आपके पूरे इंडिया में हैं। अब क्या करेगा CISF, जितने भी फॉर्म आपके पड़े हैं अब इन फॉर्म को वो कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद वो अपने रीजन पे देखेगा कहाँ कितने बच्चे फॉर्म डाले हैं, उस हिसाब से आपका सेंटर वो डिवाइड करेगा, बांटेगा अलग अलग सेंटरों पे, अलावा आपको अलग अलग होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि मेरा सेंटर कहाँ बनेगा, क्या जैसे मैं यूपी से हूँ, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, अलग अलग प्रदेश के होंगे क्योंकि ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया की है तो अलग अलग प्रदेश की होगी। तो आपके मन में आया क्या मेरा सेंटर जो है मेरे प्रदेश में बनेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा सेंटर मेरे प्रदेश में ही बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर रहता है कि आपके जो सेंटर बनाए जाते हैं आपके नज़दीक ही बने। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे सेंटर जैसे यूपी का मैं हूँ, तो मैं 2 बार इसको फॉर्म डाल चुका हूँ। एक मैं CISF फायरमैन में डाला था 2017 में, और एक फॉर्म डाला हूँ इस समय CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का। तो मैं दोनों की बात बता देना चाहता हूँ। जब मैंने फायरमैन का एग्ज़ाम दिया था पहला नंबर उसमें PHT हुआ था, तो PHT मेरा तो क्लियर था उसमें, तो मेरा जो सेंटर बनाया गया था वो मेरा सेंटर गया था उत्तराखंड में, ठीक है, रानीपुर में, उत्तराखंड रानीपुर में गया था से मेरा सेंटर। और जब मेरा पेपर हुआ था तो मेरा पेपर सोनभद्र में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना, मेरा सेंटर इसी पे था, यहाँ पर मेरा ये सेकंड वाला जो नंबर है अनपरा डिस्ट्रिक्ट जो सोनभद्र, यहाँ पर मेरा सेंटर बनाया गया था रिटर्न एग्जाम का, बट मेरा रिटर्न एग्जाम उस टाइम पे नहीं निकला था। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब इस बार जो मेरा जो वैकेंसीज थी CISF हेड कांस्टेबल की, ये मेरा जो PHT हुआ था वो दिल्ली बवाना में गया था। अब मेरा रिटर्न का एक जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ जाएगा, मेरा सेंटर क्या होगा, वो तो मुझे फिर भी नहीं पता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं भी बना सकता है आपके रीजनल में, ठीक है। तो आपको बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं करना है, कि मतलब वो करता भी नहीं है, नज़दीक बनाने की कोशिश कर, लेकिन फॉर्म इतने पड़ते हैं कि आपके सेंटर इधर उधर पड़ जाते हैं, तो ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपको समझ में गए होंगे कि आपका सेंटर क्या बन सकता है। अब 341 सेंटर है पूरे CISF, ये केवल CISF अपना खुद कंडक्ट करवाता है, किसी को देता नहीं है। तो टोटल अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक तरफ से मैं देखता हूँ तो देखो कितने सारे सेंटरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस चीज़ को 341 सेंटर में कहीं भी बना सकता है, 341 सेंटर आपके नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ सेंटर को जरूर ले, कम से कम 100 से सेंटर कम से कम वो लेगा, जरूर 100 सेंटर वो जरूर बनाएगा पूरे भारत में, ठीक है। तो उन सेंटरों को 100 सेंटर बना सकता है, 50 सेंटर भी बना सकता है पूरे भारत में, 341 सेंटरों में से ही आपका सेंटर वो बनाएगा, ठीक है। अब ये 341 सेंटर है, अब इन सेंटरों में से आपके कौन सी जगह पे जाएगा वो भर्ती बोर्ड जानता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें थी, आप यहाँ पर देखो इतनी लंबी चौड़ी इसका PDF है। अब इस PDF को मैं क्या करते हैं, इसको देना चाहते हैं तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि फ़ोन में ये गूगल ड्राइव में सेव नहीं होता, इस कारण से मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। और आपको कोशिश करूँगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप है CISF का, उसको मैं दे देता हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और मैं वहाँ पर ये PDF ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब आप बात सारी बातें आपकी थी, और आगे वीडियो में आपको मिल जाएंगी आपके डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं वो आप जरूर करिएगा। और अभी से आप तैयारी करो रिटन एग्जाम की, ठीक है, रिटन एग्जाम की तैयारी अभी से आप करो अच्छे तरीके से करना, ठीक है। और इस बार वैकेंसी भी अच्छी खासी अपना सभी लोगों की है, इतनी वैकेंसी 2017 में नहीं आई थी, लगभग इतने समथिंग ही था, तो ये सारी आपकी है। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सारी बातें समझ में आ गई कि फिजिकल आपका कब तक होगा, टेट टेस्ट आपका कब तक होगा, इंटर कार्ड आपके कब तक आएंगे, कितने बच्चे दौड़ाए जाएंगे, मतलब एक साथ होगा कि नहीं होगा, कितने सेंटर इसमें हैं। तो आगे आपको वीडियो मिलने वाली है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से चेक होते हैं, और आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी जैसे आपको टेट टेस्ट
जिस ट्रेड्स में आपके हैं, अलग अलग ट्रेड्स के, जैसे कुक में क्या करवाया था, वाशरमैन में क्या करवाया था, ये सब जानकारी आगे वीडियो आपको मिलती रहेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन आपको सबसे पहले आपका जो फॉर्म है अच्छे तरीके से आपको फिल करना है, और अच्छे तरीके से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, आपके मन में ये भी आएगा कि आपके एडमिट कार्ड कैसे है, क्योंकि आप फॉर्म ऑफलाइन डाले हो तो आपके एडमिट कार्ड भी ऑफलाइन ही आने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये न्यूज़ मतलब बता मिलेगा, क्योंकि वो नोटिस पहले आ गया, आपके आपकी ऑफिस साइड पर नोटिस आ जाएगी कि आपके फॉर्म जो आपके एडमिट कार्ड कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा 15 से 20 दिन के बाद ही आपका PHT होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आपके ऑफिस साइड पे नोटिस आ जाएगी। जब भी आएगा मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी जानकारी फिर से मिलती रहेंगी। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक तो पहुँच सके। और हम लोग बहुत करीब हैं 50,000 के, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके शेयर करके ज़्यादा ज़्यादा लोगों के, ताकि 50,000 कम्प्लीट हो जाए, ठीक है। तो उस दिन आपको हम मिलने वाले हैं लाइव, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं उस दिन। तो इतना आप जरूर करिएगा, और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलो मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।